मेरे को बड़ी खुशी हुई। पैसे वसूल हो गए मेरे पूरे, बस ठीक है। दोस्तों ने लेक्सस बोल दिया साथ में, अलेक्सा ने बोला लेक्सस बोला था, रेड बोला व्हाइट बोला था, मुझे नहीं पता था। लोग कहेंगे कितने टैकी चॉइसेस थी, तेरी चॉइस थी रेड, तो मैंने कब बोला रेड? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा ओके एक सेकंड। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ और ये है XUV700। लेकिन इसके बारे में कौन बताएगा? मनन भाई बताएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी अभी परचेज किया है। ओनर रिव्यू करने वाले हैं, माइलेज से लेकर ओनरशिप एक्सपीरियंस, सर्विस वगैरह के बारे में पूछ तो लेंगे, लेकिन और बहुत कुछ पूछने वाले हैं। तो अगर आप एक XUV700 लेना चाहते हैं, ले चुके हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देख लेनी चाहिए। इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप पूछते हैं मनन भाई से, प्लीज़ ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताइए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनन और मैंने ये XUV700 अभी रिसेंटली ली है। मेरे को लिए हुए 1 वीक हुआ है, सो आई एम हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बाकी सर के साथ कंटिन्यू करेंगे हम डेफिनेटली। बढ़ाने से पहले मेरी बात तो सुन लो, अगर आपको स्पेयर पार्ट्स चाहिए किसी भी गाड़ी के, छोटी या बड़ी, वो भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से, तो बुडमो इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाती है। एंड्रॉइड iOS एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, मनी बैक गारंटी भी है, और उसके साथ साथ अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से आपको हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स से परेशान है, बुडमो इज द राइट ऑप्शन फॉर यू, स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लें। तो मनन भाई, आप इस गाड़ी के बारे में बताओ कि कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली ऑलरेडी? सर ये है XUV700 AX7 डीजल ऑटोमेटिक मिडनाइट ब्लैक कलर, सो व्हिच इज वेरी हॉट सेलिंग ऑफ कोर्स। कितने किलोमीटर आपके हो गए ये? सर दिस इज 450 किलोमीटर राइट नाउ। एंड व्हाट अबाउट द डिलीवरी, आपको कब मिली थी? सर आई हैव गॉट द डिलीवरी ऑन 9th December। चलो सबसे, अब देखो हॉट सेलिंग आपने बोली लिया, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपका बुकिंग प्रोसीजर और बुकिंग आपने कब कराई थी, तो कैसा रहा आपको बुकिंग एक्सपीरियंस? सर बुकिंग वाज, पहले हमें नोन नहीं था कि हमें ऑनलाइन बुकिंग करानी है, तो आई वाज इन कॉन्टैक्ट विद माय डीलर ओनली, सो आई गेव अ मैनुअल चेक टू ऑन 7th October ऑन दैट डेट व्हेन द ऑनलाइन बुकिंग स्टार्टेड, ऑफ कोर्स। सो आई गेव दैट चेक एंड तो वो मेरे को बोलने लगे कि मेरे को बहुत टेंशन होने लगा बुकिंग कराने के बाद, जब मैंने 7th October को मैनुअल चेक दिया तो उन्होंने मेरे को आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन भी होने वाली है। तो और जब मैंने घर आके न्यूज़ देखी कि 25,000 ऑनलाइन हो गई, तो हमें तो था गई हमारी 1 साल की वेटिंग। तो बाय चांस बाय लक मेरे को फिर नेक्स्ट मंथ तक जब सबकी डेट्स आने लगी, तो मेरे को 3rd December की डेट मिली थी। ओके, सो बाय लक और समथिंग कह लो गॉड्स ग्रेस, जो हमारी एक्साइटमेंट थी उसको देखते हुए हमें 9th December को डिलीवरी मिल गई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपको काफ़ी जल्दी 2 महीने में आपको डिलीवरी मिल गई, क्योंकि आपने बुकिंग टाइम पर करवा ली थी। तो मैंने भी ये देखा एक्सपीरियंस वैसे अपनी तरफ से कि जिन जिन लोगों ने बुकिंग टाइम पे कराई उनको टाइम पे गाड़ी ज़रूर मिली, जिनकी वो 7th October से ऊपर गई थी उनको थोड़ा सा डिले जो है वो हुआ है। अब बताएं मुझे अपने एग्जिस्टिंग या पुरानी गाड़ी के बारे में। सर वी आर ड्राइविंग राइट नाउ मारुति डिजायर ओके एंड अ वैगनार, सो वी वर इन वेरी नीड इन फ्रॉम 2 ईयर्स हम बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि हमें बिग कार लेनी है। तो हमने काफ़ी गाड़ियाँ सर्च की, काफ़ी वेट किया, काफ़ी मशक्कत की, हर चीज़ की हमने करा, तो बाय चांस और बाय एट द एंड हमें एट द एंड यही मिली सर, यही जो पसंद भी यही आ रही थी आपको सर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंशा जी, जो मनन जी की सिस्टर हैं, इन्होंने भी अपने गाड़ी के बारे में कुछ बताना चाहते थे, तो प्लीज़। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंशा आहूजा एंड मेरे को ये कार बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में मुझे बताओ? इसमें सनरूफ बहुत अच्छी है और म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, कलर मैंने चूज किया है एंड कार बहुत अच्छी है। तो कलर में आपकी कंट्रीब्यूशन आपकी थी? हाँ जी। तो भैया की कौन सी थी? रेड। और बाकी फैमिली में लोग क्या करते हैं, कौन से कलर ऑप्शन जाते हैं, आपकी चॉइस में कि इनकी चॉइस में? मेरी चॉइस में। तभी ये वाला फाइनल हुआ फिर फाइनली। हाँ जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। फिर भी आप मेरे को थोड़ा सा एक बताओ, कोई ऐसा फीचर जो आपको लगता है यार इस फीचर ने इस गाड़ी को कंप्लीट बना दिया? इसकी स्टीयरिंग का जो चेंज हुआ है, जो स्टीयरिंग लोगो पूरा डिजाइन हुआ है। हाँ जी, दैट्स नाइस। आप मेरे को बताओ, आप में एक्साइटमेंट आप दोनों में किसकी ज्यादा है, आपकी ज्यादा थी कि इनकी ज्यादा है? ऑब्वियसली मेरी, मेरी ज्यादा। अब आप बोलोगे कि आपकी ज्यादा ही? मेरी 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 मेरी, ये लड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, कोई बात नहीं, लड़ते रहना आराम से बाद में। ओके, अब मुझे ये बताओ, अभी तक
आपने कोई ट्रिप बनाया है इसके साथ जो कर चुके हो यू? सर अभी अभी तो चली नहीं है ज़्यादातर, अभी जब फर्स्ट डे और सेकंड डे ही चली, फिर उसके बाद हमारे थोड़े एग्जाम्स हैं थोड़े, तो मैं भी जैसे कॉलेज स्टूडेंट, ये भी स्कूल स्टूडेंट, तो हमारे एग्जाम्स हैं, फिर एग्जाम्स के बाद श्योरली जाएंगे ट्रिप पे। तो कहाँ का प्लान कर रहे हो ट्रिप को लेकर? सर देखते हैं, मसूरी नैनीताल तक तो जाएगी जाएगी। सही है। अच्छा अब मेरे को एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बताओ, नॉर्मली दिल्ली एनसीआर में ना लोग डीजल को अवॉइड करते हैं, या आपने क्या सोच के डीजल का लिया कि नहीं यार डीजल ही लेंगे कोई बात? सर एक तो हम माउंटेन्स पे काफ़ी जाते हैं, तो वहाँ पे जो डीजल पावर है वो चाहिए थी सर। और आपकी रनिंग ज़्यादा है भी। या तो जैसे हमारे हमारा बिजनेस भी काफ़ी दिल्ली से बाहर पड़ता है, दिल्ली एनसीआर पर। सर इट इज़ पाउडर कोटिंग। या सो तो इसलिए हमें डीजल कार चाहिए थी कि कभी वहाँ जानी हो, और एक एवरेज का भी चक्कर था तो वो सबको चुपता आजकल। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने डीजल कार प्रेफर किया। सर इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एज माई डीलर नेम वॉज चेतन, सो ही वॉज अ सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन महिंद्रा वजीरपुर। सो उसने बहुत हेल्प की, उसने मुझे जब मैं गया उसने मुझे अच्छे से अटेंड किया। जितनी टेस्ट ड्राइव मैंने ली होगी इस गाड़ी की, कम से कम 10-15 किलोमीटर्स मैंने पहले चला के देखी, क्योंकि सबको होता है कि पहले अपनी नई गाड़ी जो ले रहे हो आप वो प्रॉपर चला के देखो। तो सबको मैंने चलवाई, पापा मेरे फ्रेंड्स भी गए चलाने कि हम भी भैया चलानी तो हमने भी है, तो वो भी गए, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से अटेंड किया, सब ने बहुत हेल्प की। और आप भी गए थे टेस्ट ड्राइव पे? हाँ जी, उन्होंने हमें चॉकलेट दी थी। सो मुझे भी कुछ बताना है। बताओ बताओ। सो इस कार में सारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और थर्ड रो की जो सीट है उस पर सारा राज मेरा होता है, और म्यूजिक सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं इसमें, और सनरूफ तो बहुत ही अच्छे है। और ट्रिप के लिए एक्साइटेड हो गए पूरा पूरा? हाँ जी, एग्जाम्स खत्म हुए उसके बाद। कब होने एग्जाम्स खत्म, फिर कब जाने का प्लान है? और दिसंबर एंड में, अभी विंटर ब्रेक आने वाला है दिसंबर एंड में। हां नहीं सही है, सही ऑलमोस्ट वैसे आ ही गई है। हां जी। अब आपने XUV700 फाइनलाइज तो कर ली, लेकिन फिर भी आपने और गाड़ियां भी शॉर्टलिस्ट की होंगी, तो वो कौन सी थी? सर सबसे पहली जो हमने शॉर्टलिस्ट की थी वो इसी का ब्रदर थी, XUV500, जो मैं जस्ट बुक कराने गया ही था, तो जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव थे चेतन सर, उन्होंने ही हमें रिकमेंड किया कि आप वेट कर लो, इसका न्यू मॉडल आने वाला है और वो शानदार होगा। डेफिनेटली। तो वो निकला भी शानदार ही। तो उसके बाद सर जब इसका हमें पता लगा कि इसकी वेटिंग पीरियड बढ़ रही है, और जब हमने बुकिंग कराने के बाद हमें लगने लगा कि हमें 1.5 इयर्स तक तो नहीं मिलने वाली कार, तो हमने नेक्स्ट न्यू कार्स देखनी शुरू करी। हमने हेक्टर देखी, हेक्टर प्लस देखी, हमने सफारी देखी, पर जो भी कह लो जो हमने फीचर्स देख लिए थे उनसे हटने का मन नहीं कर रहा। ऊपर वाली चीज़ देख ली तो वो पसंद नहीं आ रही थी वो वाली। बिल्कुल सर। तो इसलिए हमने बस कह दिया कि अब जब भी मिलेगी यही लेंगे, यही लेंगे। मतलब आप 1.5 साल भी रुकने के लिए रेडी थे, बट वो एक लग गया कि 2 महीने में ही आपको गाड़ी मिल गई। दैट्स रियली रियली गुड। मतलब आई कैन फील कि आप कितना ज्यादा खुश हो गए उस टाइम पे जब आपको पता लगा होगा अभी डिलीवरी मिल रही है यार। दैट्स नाइस। एंड व्हाट अबाउट, देखो माइलेज एक क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तो आपके किलोमीटर काफी कम चले हैं, बट फिर भी कितनी माइलेज इसकी आ रही है सिटी में, दिल्ली जैसे शहर में कितनी आ रही है? सर 8-10 आ रही है। ओके ओके। मतलब 8 भी बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो गया, और 10 जब हम हाईवे पे थड़ा भी जा रहे हैं तो वो 10 क्रॉस भी कर रही है। सो इट्स वेरी गुड। चलो अभी ठीक चल रही है, धीरे धीरे अभी 1000 किलोमीटर के बाद प्रॉपर इम्प्रूव होगी जब पहली सर्विस आपकी हो जाएगी। ऑफ कोर्स तब ऐसा करेंगे एक और वीडियो बना लेंगे, तब देखेंगे सर्विस का आपका पार्ट कैसा रहा। श्योर। ठीक है, मुझे बताओ इस गाड़ी में आपको बेस्ट फीचर कौन सा लगता है? सर बेस्ट फीचर फॉर मी एक तो एडैश टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी हेल्पफुल, जो हम यूज भी करते हैं। और मेरे को सबसे अच्छा फीचर जो इसका लगता है दैट इज इसका जो स्क्रीन है, जो बिग स्क्रीन है, दैट गिव्स अ वेरी लग्जरी फील। डेफिनेटली, वो भी ड्यूल पिन पूरा एंड टू एंड। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को वो ज्यादा अच्छा लग भी रहा है। अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल, ऐसा कौन सा फीचर है जो इसमें आपको कमी महसूस होती है, ये भी फीचर होता तो मजा आ जाता, कंप्लीट पैकेज होता, कोई ऐसा फीचर? ऐसे तो इसमें कोई मिसिंग फीचर हम बिल्कुल निकाल नहीं सकते, पर एक जो मेरे को लगता है दैट इज ऑटो डिमिंग ORVM। ओके। IRVM समझ गया था। सो वो एक मेरे को लगता है कि वो दे देना चाहिए था, वो हर गाड़ी में आ रहा है तो हमें भी लगता है दे दो भाई, इतने पैसे लगाए हैं तो वो भी एक हो जाना चाहिए था। चलो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप दिल्ली NCR एरिया से हैं, आपके पास कोई भी गाड़ी है, पेट्रोल डीजल नई पुरानी डजंट मैटर, मैं आऊँगा आपके पास इसी तरीके का एक ओनर रिव्यू शूट करेंगे, तो इस बात का वेट कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल या मैसेज जल्दी से जल्दी कर दीजिए।
चलो मनन, अब हम ऑडियंस को बताते हैं कि इस गाड़ी की ड्राइविंग कैसी है आपका हिसाब से। तो व्हाट डू यू फील अबाउट द डीजल पावर? सर, इट इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो पावर फील होता है ब्रेक दबाते ही, हां, दैट इज अमेजिंग। उसका मजा ही अलग है सर। फन टू ड्राइव एलिमेंट पूरा पूरा है। सस्पेंशन इज ऑसम। हां, वही अगला सवाल था मेरा, कंफर्ट कैसा आपको लगता है इसका? तो इसका जो है कंफर्ट बहुत अच्छा है। सीट कंफर्ट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो एक इसमें पैडिंग कंफर्ट भी दिया है बैक में, दैट इज आल्सो ऑसम। और चलाने में तो है ही, प्लस वही इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट, लंबर सपोर्ट वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिल जाते, वो भी मेमोरी फंक्शंस के साथ। तो देखो, ये नॉर्मल क्लचेस तो हमें याद होते हैं ज़्यादा, बट प्रैक्टिकली मनन भाई यूज़ कर रहे हैं तो वो बेटर बता सकते हैं। और व्हाट अबाउट इसका जैसे म्यूजिक एक्सपीरियंस है आपका या टच स्क्रीन एक्सपीरियंस है? कई लोगों को लगता है कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है स्क्रीन की, क्या आपको ऐसा लगता है? सर देखो, अगर किसी भी बहुत ज़्यादा सनलाइट आएगी तो वो थोड़ा होता है डिम, ऑफकोर्स, पर हाँ अगर हम नॉर्मल देखें, नॉर्मल डे लाइट में तो इट्स सफिशिएंट। एंड मोर ओवर एक्सयूवी में आपको जो है वो थोड़ा डार्क थीम दी जाती है, बहुत गाड़ी में वाइट दी जाती है वो, लेकिन उतनी एलिगेंट नहीं लगती। उससे दिखता जरूर है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, बट जो ब्लैक का टच आता है वो अलग ही, डार्क मोड तो सबको अच्छा लगता है। एंड व्हाट अबाउट शिफ्टिंग गियर्स? अगर आपको कभी इसको मैनुअल मोड में अभी तक किया आपने इसको शिफ्ट? यस यस, हमने मैनुअल पे मैंने चला के देखी थी, बड़ी देर चलाई। जैसे कभी स्टीप रोड है तो उसमें हमें लगता है ना कि हमारा एक मेंटालिटी है हमें फर्स्ट गियर पे ही रखनी है उसको। तो हमने वो ट्राई करा, इट वाज अमेजिंग। बट नीड तो नहीं लगी होगी फर्स्ट गियर रखने, बस वो मन में आया होगा कि रखें। वो हमारा बस एक होता है कि यार सारे फंक्शन यूज तो करके देखें। हां सही। एंड चलो अब हमने ब्रेक लगाई, ब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट द ब्रेकिंग? ब्रेकिंग इज अगेन नो कॉम्प्रोमाइज इन एनीथिंग। हां वो तो महिंद्रा ने सेफ्टी में भी काफी अच्छा काम किया है, और हमारे लिए तो प्लस पॉइंट ही हो गया, हमारे बुक करने के बाद हमें 5 स्टार रेटिंग मिली, तो इट वाज अ हां चेरी ऑन द केक। हां तो वो आपको डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, हमारी गाड़ी नंबर 1। XUV700 या फिर कोई और गाड़ियाँ जो इस साल लॉन्च हुई हैं, सारी इंपॉर्टेंट और सारी फेमस ज़रूर हैं, सारी अच्छी भी हैं, लेकिन हमने अभी कंडक्ट किए थे इंडियन व्हीकल अवार्ड्स IVA 2022, उसके ऊपर डिटेल्स जो है उसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो हैशटैग को पॉपुलर कर दो IVA 2022, इसके ऊपर हमने बहुत सारी गाड़ियों के अवार्ड्स दिए हैं, तो उसे चेकआउट ज़रूर करें, बहुत जल्द आपके लिए इन गाड़ियों के अवार्ड्स आने वाले हैं। आपको क्या लगता है उसमें कार ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला होगा, या फिर वैल्यू फॉर मनी व्हीकल अवार्ड, वो भी चेक कर लें। ईवी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हमने उसके अंदर, टोटल 16 अवार्ड्स हैं, तो वीडियो को चेकआउट जरूर करें जब भी अपलोड होगी। तो IVA 2022, आप मंशा क्या बताना चाहोगे सीट कंफर्ट वगैरह, जैसे आप पीछे बैठते हो? फिर थोड़ा और बताओ गाड़ी के बारे में खुल के। मंशा का अपना YouTube चैनल है फैशन और लाइफस्टाइल के ऊपर, तो उसे जरूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका छोड़ दूंगा आप सबके लिए। थैंक यू। मंशा, आपको आगे बैठना ज्यादा अच्छा लगता है या पीछे? पीछे बैठना। क्यों? क्योंकि यहां पे फोटोज ज्यादा अच्छी आती है। सनरूफ की वजह से लाइट अच्छी मिल जाती है, और होता है कि भैया चलाते रहे ड्राइव। इंटीरियर में आपको और क्या अच्छा लगता है, मनन भाई और मंशा आप दोनों से पूछना चाहूंगा, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं फटाफट। चलो ठीक है, ओके। इसमें स्पेस और फीचर्स इस गाड़ी में ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता? फीचर्स, स्पेस। और अगला आंसर है फटाफट आना चाहिए, ठीक है? बताओ स्पेस या इंटीरियर? इंटीरियर। ट्रिप का हिल्स और बीचेस? हिल्स। फोटो ज़्यादा किसने क्लिक की है इसके साथ? मैंने। सोशल मीडिया पे शेयर आपने सबसे ज्यादा, लाइक्स किसको ज़्यादा आते हैं? ड्राइविंग में ऑडियंस के लिए आपका कोई मैसेज, कोई भी ओवरऑल? 3 वर्ड्स, फन टू ड्राइव। एंड व्हाट अबाउट ओवरऑल गाड़ी को लेके कोई मैसेज ऑडियंस को जो लेना चाहते हैं या? बिल्कुल नहीं इस कार को सर, आपको अगर आपको इतने बजट में लग्जरी फील चाहिए तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपको सब फीचर्स भी मिलेंगे, कंफर्ट, इंटीरियर, आप जो फैक्टर उठा लो आपके पास 10/10 है। वैसे ये बात सही है, महिंद्रा ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट किया जब से इनका लोगो चेंज किया है इन्होंने, गाड़ी के इंटीरियर पूरा मतलब लग्जरी कार 50-60 लाख वाली कार का लगता है पूरा। एंड ये मनन भाई ने सही बात बोली है कि किसी ने अपने शौक पूरे करने इस बजट में तो डेफिनेटली XUV700। मनन भाई ने XUV की बहुत प्यारी प्यारी फोटोज अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाली हैं, उन्हें फॉलो ज़रूर कर लें, यहाँ पर मैं इनका जो लिंक है और यूज़र नेम है उसे छोड़ रहा हूँ।
तो ये था हमारी तरफ से एक XUV700 डीजल ऑटोमेटिक का ओनर रिव्यू। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके आंसर्स इनसे पूछकर आपके वहीं पे नीचे कमेंट कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।